subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel. We are going to learn 2.3 the twins. सबसे पहले शुरुआत करेंगे चिट चैट की। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन चिट चैट फॉर द ट्विंस। टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। दो बच्चे जब एक साथ पैदा होते हैं तो उन्हें ट्विंस कहते हैं। अब आप बताइए ट्रिपलेट्स, क्वाड्रपलेट्स और क्वांटिप्लेट्स को क्या कहते हैं। ट्रिपलेट्स यानी तिड़के, यानी तीन बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसे ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्वाड्रपलेट्स यानी चार बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसे क्वाड्रपलेट्स यानी कहते हैं। और क्विंटीप्लेट्स यानी कि पांच बच्चे अगर एक साथ पैदा होते हैं, देखिए ऐसे भी वाक़यात होते हैं, तो उसे आप क्विंटीप्लेट्स कहते हैं। अब ये यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कोलोकेशन। व्हाट आर द कोलोकेशन वर्ड्स। कोलोकेशन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि कप एंड सॉसर, नीडल एंड थ्रेड, बर्ड्स एंड बीस्ट, टेक अ रिस्क, सिप टी और कॉफ़ी, हाइड एंड सीक। ये क्या है, कोलोकेशन वर्ड्स है। ये सेट्स ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक साथ दो चीज़ों का बयान आता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोलोकेशन वर्ड कहते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, इस नज़म को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है जिसे आप हाइपरबोल कहते हैं, आप उर्दू में कहेंगे सनत मुबालगा। ये क्या है सनत मुबालगा, ये व्हेन सच एक्सैग्रेटेड लाइन अकर इन पोएट्री, दे आर एग्जांपल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच डैट इज़ हाइपरबोल। ही हैज़ अ पी साइज्ड ब्रेन, यानी बहुत ही छोटा मटर के इतना उसका दिमाग है। माई शूज़ आर किलिंग मी। अब ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल, दो जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये क्या बयान कर रहे हैं, ये हाइपरबोल की सिफत को बयान कर रहे हैं। हाइपरबोल क्या होता है, ये सनत मुबालगा, बड़ा चढ़ाकर जिसमें किसी चीज़ को पेश किया जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं, द ट्विंस इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम्ब। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे और उसके अल्फाज मायने भी देखेंगे। इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम्ब आई ग्रीव सो लाइक माई मदर माई ब्रदर। इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम्ब आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर डैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। डैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। इट पजल्ड ऑल ओवर किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न ऑफ ट्विन, येट नॉट अ सोल न्यू विच। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, येट नॉट अ सोल न्यू विच। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, वन डे द टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड। As we were being watched by nurse, we got completely mixed. As we were being watched by nurse, we got completely mixed. And thus you see by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got christened me and I got christened him. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school. And I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put these questions fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me, to prove that you were you? Our close resemblance turned the tide. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. For somehow my intended bride become my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. ये हेनरी सैमब्रोक लाय ने लिखा है, और इस पोएम को हम दोबारा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ट्विंस किसे कहते हैं, ट्विंस ये आमतौर पर जुड़वा को कहते हैं। जुड़वा जो बच्चे हैं उनका होने का दर्द क्या है, इसमें बयान किया गया है। इन फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर। अब इसमें वो क्या बयान कर रहा है, एक जैसी बनावट रहने रखने वाले फॉर्म एंड फीचर
यानी कि चेहरे मोहरे से एक जैसे दिखने वाले, फेस यानी चेहरा एंड लिम यानी हाथ पैर भी एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, यानी दोनों भाई एक जैसे ही दिख रहे हैं। डैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। फोक यानी लोग, जो भी लोग आमतौर पर ये देहातियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लोग मुझे समझ कर उसे ले जाते या उसे समझ कर मुझे ले जाते। एंड ईच फॉर वन अनदर, और हर कोई एक दूसरे को समझ कर ले जाते। इट पजल्ड ऑल और किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। किथ एंड किन ये सब रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्म एंड फीचर पहले इसमें इस्तेमाल किया था, या किथ एंड किन ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स है। इट पजल्ड ऑल और किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। और क्या हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा खौफजदा कर देने वाली बात हो गई कि इसमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा फियरफुल पिच यानी गड़बड़ हो जाती है। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन हम जब जुड़वा पैदा हुए हैं तो हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि हम दोनों जुड़वा हैं। वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड, एक दिन एक रोज़ तो खैर हो गया, बहुत परेशानी हो गई जब नाम रखाई होने वाली थी। बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड यानी नाम रखे जाने वाले थे। एज वी वर बींग वॉच बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, जब हमें नर्स ने क्या किया, नहला रही थी, नहलाकर उसने क्या किया, हमारे कपड़े बदले, लेकिन उसने बदल कर हमें ही बदल दिया, हेयर फेयर कर दिया। अब उसमें क्या है, एंड थस यू सी बाय फेट्स डिक्री, फेट्स डिक्री किसे कहते हैं, डिक्री यानी ऑर्डर को कहते हैं, लेकिन यहाँ फेट्स डिक्री ये नसीब का फेर कहेंगे कि ये क्या बात है। और राधर्स नर्स भीम, या फिर नर्स की बहुत ज़्यादा दी गई गलती है, जो नर्स ने गलती कर दी, दाई ने गलती कर दी, उसकी वजह से ये हुआ है। और राधर नर्स हिम, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चन मी एंड आई गॉट क्रिश्चन हिम। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो भाई है जॉन, उसको मेरा नाम मिल गया और मुझे उसका नाम मिल गया। क्रिश्चन ये नाम रखाई की रस्म होती है क्रिश्चियंस में, उसे क्रिश्चन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। नेम गिवन टू अ बेबी एट द नेमिंग सेरेमनी, दिस फर्टाइल लाइकनेस इवन डॉज्ड। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर पोएट कह रहा है ये कमाल की जो यकसानियत है, फर्टाइल लाइकनेस है, इससे क्या हो रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ रही है। माई फुट स्टेप्स वैन एट स्कूल, स्कूल में भी पीछा नहीं छोड़ रही है। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, और जॉन कोई हिमाकतें करता है, कोई झगड़े करता है, तो क्या होता है, उसमें सज़ा तो मुझे मिलती है। फ्लॉज यानी सज़ा मिल जाना, फूल यानी कि डॉग क्या होना, हिमाकत कर देना। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई न्यू, यानी बेकार में मैं ये लोगों से सवाल किया करता, बेकार सा सवाल, वाट वुड यू डू इफ़ यू वेर मी टू प्रूव डैट यू वेर यू, क्या करते अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होता, तो तुम्हें साबित करना पड़ता कि तुम ही हो। आर क्लोज रेजेम्बलेंस टर्न द टाइड, ये टर्न द टाइड ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, टी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये भी एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है। आर क्लोज रेजेम्बलेंस, रेजेम्बलेंस किसे कहते हैं, यकसानियत, एक जैसा दिखना। टर्न द टाइड, उसने क्या किया, ज़िंदगी में भोचाल ला लिया। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, क्या हुआ कि मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन ब्रदर जॉन वहाँ पर मौजूद था और वो ही उसे ही उसने पसंद कर लिया और वो उसकी बीवी बन गई। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, लेकिन साल हर साल, बरस बरस ऐसी ही अजीब किस्म की गड़बड़ होती रही। अब्सर्ड मिस्टेक्स, अजीब किस्म की गड़बड़। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड ब्यूरिड ब्रदर जॉन, और जब आखिर में तो हद हो गई, ये इतनी बड़ी हद हो गई कि जब इंतकाल मेरा हुआ तो मेरे पड़ोसियों ने ले जाकर मेरे भाई ब्रदर जॉन को ही दफना दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी सारे एक्टिविटीज़ और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए